शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। आम आदमी पार्टी आज गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन भी करने जा रही है। आपका आरोप है कि राजनीतिक द्वेष की वजह से यह गिरफ्तारी हुई। कल सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। तो बड़ी खबर, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पेशी। 8 घंटे की पूछताछ के बाद कल गिरफ्तारी हुई थी और आज इस गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन करने वाले हैं। तो सीबीआई के मुताबिक मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। 8 घंटे की पूछताछ हुई जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होगी और उसी से संबंधित ये तस्वीर है इस वक्त आपके सामने। बीच की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहां सुरक्षा व्यवस्था और दुरुस्त कर दी गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये अल्टीमेटम दिया कि देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे वो। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी ने सिसोदिया पर बड़ा वार किया है। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर बड़ा वार करते हुए कहा है कि चाचा ने दिल्ली में ठेके खुलवाए। हरीश खुराना का ये कहना है। तो मनीष सिसोदिया पर तंस करते हुए हरीश खुराना का ये बड़ा बयान सामने आया है। गिरफ्तार किया गया है, आम आदमी पार्टी उनको बेचारा दिखाने की कोशिश कर रही है और यहां तक कि उनको चाचा की उपाधि देते हुए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि वो चाचा जी कहां थे जब गरीब महिलाएं रो रही थी कि उनके पति और उनके पिता दोपहर को भी शराब पीना शुरू कर दिया था क्योंकि आपने 1+1 की स्कीम लागू कर दी थी। आप तब कहां थे जब हमारी गरीब माताएं और बहनें जब जाती थी मंदिर और गुरुद्वारे में, वहां शराब के पास में ठेके खुले हुए थे।